हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मकड़ी से जुड़े फैक्ट्स। मकड़ी बिच्छू के फैमिली से बिलोंग करती है। इनकी करीब 40,000 से भी अधिक स्पीशीज मौजूद है। ये दुनिया के हर जगह में पाई जाती है सिवाय अंटार्कटिका के। मकड़ी जो जाल बनाती है उसका निर्माण केवल एक घंटे में करती है और मकड़ी हर दिन नया जाल बनाती है और जाल का कुछ हिस्सा ये चिपचिपा बनाती है ताकि उसमें छोटे मोटे कीड़े चिपक जाए। क्या आप जानते हैं मकड़ी मरने के बाद अपने पैर अंदर की ओर मोड़ लेती है, क्योंकि मकड़ी जब जिंदा होती है उसके बॉडी में से लिक्विड निकलता है जिससे उसका पैर सीधा रहता है। मरने के बाद वो लिक्विड निकलना बंद हो जाता है जिससे वो मुड़ जाती है। मकड़ी के जाल में विटामिन के पाया जाता है। अगर शरीर पर चोट लग जाए, खून बहने लगे, जब मकड़ी का जाल लगाने से खून निकलना रुक जाता है। पहले जमाने के लोग घाव लगने पर मकड़ी की जाल लगाया करते थे। मकड़ियों के कुछ ऐसे स्पीशीज है जिनमें 8 आंखें, कुछ में 12 आंख और कुछ में आंखें भी नहीं होती। मकड़ी में एक ऐसी प्रजाति की मकड़ी है जो की तरह जगह के हिसाब से अपना रंग बदलती है, जिसे क्रैब स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। हैरानी वाली बात ये है कि इनके प्रजाति की ब्लैक विडो नाम की फीमेल मकड़ी जब ये अपने मेल पार्टनर के साथ संबंध रखने के बाद उसको ही खा लेती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। साइंटिफिकली ये इसलिए ऐसे करती है ताकि वो अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त कर सके, जिससे वो अपने अंडों को सही तरीके से फर्टिलाइज कर सके। शायद ही इसलिए इसका नाम ब्लैक विडो रखा गया है। ब्राउन रेक्लूज स्पाइडर एक ऐसी मकड़ी है जिसका डंक सब मकड़ियों से खतरनाक होता है। अगर ये किसी इंसान को काट दिया जाए, उसका इलाज न होने पर उस इंसान की मौत भी हो जाती है। वो ऐसे ही किसी सोते हुए इंसान को नहीं काटती, तब काटती है जब उसको लगे कि उसकी जान को खतरा है, वो मरने वाली है, तब जाकर वो अपने डंक का इस्तेमाल करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।